विपक्ष की ओर से घोटाले के आरोप लगाए जाने के बाद सुर्खियों में आए स्वास्थ्य विभाग का कारनामा उस वक्त सामने आया जब मरीजों के इलाज के लिए बना ट्रामा सेंटर आज सुबह फिल्म स्टूडियो में तब्दील हो गया और सर शादीलाल के नाम से बने इस ट्रामा सेंटर के बोर्ड पर पर्दा ढककर उसका नाम सफदरजंग अस्पताल में बदल दिया गया। सड़क जाम, मरीज परेशान, सुरक्षा के नहीं कोई इंतजाम, यह नजारा कहीं और का नहीं बल्कि रेवाड़ी के सर शादीलाल ट्रामा सेंटर का है, जहां आज सुबह जैसे ही ओपीडी का वक्त शुरू हुआ तो यहां बजाय मरीजों के क्राइम पेट्रोल पर आधारित सीरियल की शूटिंग के लिए कलाकारों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया और देखते ही देखते ट्रामा सेंटर फिल्म स्टूडियो में तब्दील हो गया। वहीं शूटिंग होती देख ट्रामा सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इतना ही नहीं, कलाकारों के साथ आई टीम ने ट्रामा सेंटर के बोर्ड पर पर्दा डालकर उसका नाम बदलकर सफदरजंग कर दिया। ऐसे में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि शूटिंग के लिए सीरियल के निर्देशक की ओर से स्वास्थ्य विभाग से कोई परमिशन ही नहीं ली गई थी और टीम पिछले दो दिनों से ट्रामा सेंटर में ही मौजूद थी, मगर मीडिया की सुर्खियां बनने के बाद स्वास्थ्य प्रशासन हरकत में आया और शूटिंग स्थल पर पहुंचकर तुरंत शूटिंग को बंद करवाया। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि विभाग ने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी थी और अब शूटिंग को बंद करवा दिया गया है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब कोई परमिशन ही नहीं थी तो टीम यहाँ ठहरी कैसे और आखिर शूटिंग कैसी शुरू हुई? पेशेंट पहले, बाकी सब चीज़ बाद में। डॉक्टर साहब, किसकी परमिशन से हो रही है ये शूटिंग? मुझे नहीं पता जिसकी भी हो, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि डीसी साहब से परमिशन है, लेकिन डीसी साहब ये थोड़ी कहेंगे कि तुम मरीज रोकी है, उन्होंने कभी ये सब चीज नहीं किया होगा। ओपीडी टाइम है, ये ओपीडी टाइम के बाद शूटिंग हो रही है, यहाँ क्या मानते हैं इसको? ओपीडी टाइम इनको कोई अलाउ नहीं किया गया है। डॉक्टर साहब, कोई परमिशन इनके पास है क्या अवेलेबल? हमारी कोई परमिशन नहीं है, जबरदस्ती आ गए हैं और हम इनको किक आउट कर रहे हैं, हमारी परमिशन से नहीं आए। बिना परमिशन के सुबह 6 बजे से 11 बजे तक यहाँ शूट चल रहा है, तो क्या किसी डॉक्टर ने अंदर से ट्रामा सेंटर से आपके पास शिकायत नहीं की? शिकायत करिए, तभी तो आए, हमने देखा है पेशेंट परेशान हो रहे हैं, ये कहते हैं डीसी को परमिशन है, लेकिन डीसी साहब ये कभी भी नहीं कहते कि आप गोली डालने पेशेंट को अपडेट कीजिए। डॉक्टर साहब, दो दिन से जो स्टाफ भी यहाँ इनका ठहरा हुआ है, क्या उसकी कोई परमिशन नहीं थी? हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जबरदस्ती यहाँ पे आए। रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।